और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और भाई इससे पहले की भी जो वीडियो है टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, जो भाई यहाँ पर कलाकार भी और पहलवान भी जो साथ दे रहे हैं भाई, यहाँ पर लगातार उनका समर्थन भी और भाई उनका सहयोग भी है, दिन रात लगे रहे भाई यहीं पर और बार बार एक ही बात कह रहे हैं भाई, जब तक नहीं जाएंगे यहाँ पर, जब तक हमारा हक यानी कि MSP वाला कानून नहीं बनवाएंगे, वो जो तीन किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि तीन काले कानून, उनके अंदर बदलाव नहीं होगा तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। भाई हमारे साथ हरियाणा के कलाकार हैं, स्टार हैं मीता बड़ौदा, जिन्होंने कई गाने दिए हैं, मारा गाम का पानी लग गया मतलब काफ़ी पॉपुलर गाना हुआ था भैया, कि यूके हरियाणवी है हमारे साथ, सिंगर भी हैं कलाकार भी हैं हरियाणवी। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी राम राम भाई सभी दर्शकों को। हाँ, तो भाई साहब कब से बैठे हैं आप यहाँ पर आंदोलन में, कब से आप अपना समर्थन दे रहे हैं? भाई एक बार हो रहा था, मैं पहले भाई हैं ये मेरे, ये कई दिन से बैठे हैं, शुरू से ही बैठे हैं और अब दूसरी बार आया हूँ मैं। तो सभी भाइयों जितने आपके दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मेरी राम राम भाई और सभी को ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और किसान भाइयों की किसी न किसी तरह से आप मदद करो। बिल्कुल मीते भाई, आपका जो गांव है वो बड़ौदा के अंदर ही आता, बड़ौदा उपचुनाव जब हुआ था तो वहाँ पर क्या लगता है, जो सबसे पहली जो जीत हुई थी वहाँ पर किसानों ने कहा कि ये हमारी जीत है, तो क्या शुरुआत थी वहाँ पर किसानों की जीत थी, जो बीजेपी JJP गठबंधन को वहाँ जो उनकी हार हुई थी, क्या लगता है वही जीत अब यहाँ पर भी होने वाली है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे किसानों की जीत हुई थी और यहाँ भी जीत होगी, और जब तक नहीं जीतेंगे हम ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हैं और हर तरह से मतलब हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले तो हम यहाँ शांति से बैठे हैं सरकार के साथ, सरकार हमारी मांगे मानो हम शांति से यहाँ से चले जाएं, नहीं तो भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे, हम कलाकार खिलाड़ी जो भी हैं, किसान का पुत्र कोई भी है, वो किसानों के साथ हैं, जैसे भी हमारे बड़े हमें आदेश देंगे वही काम कर देंगे। भाई भाई यू हरियाणवी भी है भाई साहब, क्या कहना चाहोगे किसानों की इस आंदोलन को लेकर के, जो लगातार ये जन आंदोलन और जो राष्ट्र आंदोलन बनता जा रहा है? मैं आपके TV के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा जी, देखिए जो कौम किसान कौम है जो पूरे देश का पेट भरती है जी, जिन अनुए ने मेरा खेत में पानी क्यों कर दिया आ रहा है, पौधा क्यों कर ला आ रहा है जी, आज मेल हो गए किसान को गुलाम बनाने पर चल रहे हैं जी, और किसान कौम यहाँ से पीछे हटने वाली नहीं है और देश का पेट भरनी आज खुद परेशान है, तो सरकार को सोचना चाहिए, बहुत बहुत गलत कर रही है सरकार, मोदी जो है इनको सुनना चाहिए इनके बारे में, और मेरे ख्याल से अब तक तो सुन लेना चाहिए था, इतनी परेशानी जब ये कर रहे हैं तो आगे तो पता नहीं क्या होगा इन बिलों के पास होने के बाद। बिल्कुल मीते भाई, कोई आपका नया प्रोजेक्ट किसानों को लेकर के, इससे पहले भी कोई आपने किसानों के लिए कोई गाना वगैरह को गाया को लिखा? कल रिलीज होगा भाई, दिल्ली दूर नहीं है। हाँ, तो एक दो लाइन हमारे दोस्तों को आप सुनाएंगे एक बार? एक उससे पहले भी किया था देश बचाले बोले, हमने तो पहले डे आंदोलन में कर दिया था एक गाना और बहुत चला भी था, पहले मीता भाई सुनाऊंगे उसके बाद मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाओ भाई साहब एक बार, जो आपका जो नया सॉन्ग किसानों के प्रति अभी आएगा, दिल्ली दूर नहीं है, जो हालात देख रहे हम अपने किसान भाइयों के, तो भाई हमने गाना कराया था कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक और यहाँ पे ज़्यादा पहुँचे और आंदोलन हमारा आंदोलन मजबूत हो, इसलिए हम अपनी कलाकारी के माध्यम से भाई सॉन्ग बना देते हैं जिससे पब्लिक जागरूक हो जाती है, तो उस पर आएगा अपना दिल्ली दूर नहीं है। हेर भारत देश के अन्नदाता ने, भारत देश के अन्नदाता ने, करो मजबूर नहीं, करो मजबूर नहीं, हेर जिस दिन चंडी चढ़गी तो या दिल्ली दूर नहीं, हेर जिस दिन चंडी चढ़गी तो या दिल्ली दूर नहीं। यो गाना वही हुआ होगा, तैयार कर रखा है और गाना तो भाई देखो आनी जानी चीज है, आम गाना अपनी जगह, हम किसान भाइयों के साथ हाँ हर तरीके से, 40 ट्रैली मेरे गांव में आज आई है भर के, 40 ट्रैली पूरा बड़ौदा हल्के का हमने और जब मलाई है, यानी कि 100 ट्रैली का जमा सिस्टम यहां तक पहुंचाया है, और मैंने यहां पे आगे देखा जितना ही पहले भी आया, अभी मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं भाई पंजाब वाले ज्यादा रहे, हमारे हरियाणा वाले मन दिखे कमाड़ है, मैं कहूँगा सच्ची बात, हरियाणा वाले भाई भाई पहुँचो वाड़े और हर तरह की मदद करो, कर भी रहे हैं बतेरे भाई, लासी भाई रोटी पानी दवाई मन देखा बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं बहुत गणे भाई, पर यहाँ पे संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, और ट्रैक्टर ट्रैली आएगी यहाँ पे, जरूरत है बंदो जरूरत है ताकि हमारा आंदोलन मजबूत दिखे। बिल्कुल, इस प्रकार से मीता भाई ने भी कही है भाई हरियाणा वाले जोर साथी हैं, वो भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल हों, इसका भाग बने, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है, किसानों को एक संदेश दिया है मीता बड़ौदा ने गाने के माध्यम से भी, भाई का अगर डॉक्टर डॉक्टरी का काम करे, कलाकार कलाकारी का, भाई इनके माध्यम गीत के माध्यम से एक जो सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजनों के अंदर कलाकार क्या होता है, गाने के माध्यम से
एक क्रांतिकारी विचारधारा, एक जोश भर सकता है। इन्होंने ये कार्य किया जो नए गाने के माध्यम से। भाई साहब आप सुनाएं एक बार, यूके भाई आपका जो सॉन्ग। हमने अभी सॉन्ग तैयार किया था जो पहले जो मसला चला हुआ था। अभी क्या है, सरकार तो मान नहीं रही। हमने भोले बाबा अर्जी लगाई थी जी कि बाबा तू सुन ले हमारी, तो उसकी दो चार लाइनें हैं जी। उसमें एक लाइन आप लोगों के बारे में भी है, लेकिन वो आपके बारे में नहीं है, जो गोदी मीडिया है उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। ओ सतगुरु वाके देश में भोले यो की साटे में आ गया रे, ओ बेईमान नेता इस देश ने दिमक की जू खा गया रे, यो देश बचा ले भोले बिकाऊ मीडिया और झूठे नेता कर जात धर्म के रोले, यो देश बचा ले भोले, हे रे 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 देश बचा ले भोले। तो ये किया था। बिल्कुल। चलो भाई वीडियो आपने देख ली है, लगातार ग्राउंड मीडिया की टीम आप सभी के सामने किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो आवाज़ है, आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जवाब दूँगा।